प्रदेश में कांग्रेस की गारंटी यात्रा शुरू हो गई है। ये यात्रा 7 संभागों की 135 विधानसभाओं से गुजरेगी। गारंटी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह बाल बाल बच गए थे। अमित शाह के रथ पर बिजली का तार गिर गया था, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, अमित शाह बिदियाद से चौपाल कर आ रहे थे। जोधपुर की ओसियां विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या मंदुरणा का भाषण लोगों के बीच सुर्खियां बना हुआ है। उन्होंने खुद के ऊपर विपक्षी दल के नेताओं द्वारा किए जा रहे कटाक्ष का जोरदार तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग उनकी शादी को लेकर मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि खाना वो ही कर देंगे। सांचौर में रैली के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत के बिगड़े बोल। शेखावत ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेसी विधायकों को हिजड़ा तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह सबसे खास मंत्री विधानसभा में ये बयान दे रहा था, तो कांग्रेस के विधायक हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने एकीकृत मतदाता सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल 5,29,33,152 मतदाता पंजीकृत हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन राज्य में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,543 उम्मीदवारों ने 1,974 नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस नेता और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विश्वास जताया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। नागौर में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के चलते दंगे हुए और इसी पार्टी में दोषियों को सजा देने की हिम्मत भी नहीं। आज एमपी में प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के उदयपुर पहुंचेंगे, जहां वो बलीचा स्थित नई कृषि उपज मंडी मैदान में शाम 5 बजे उदयपुर की 8 विधानसभा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक का नाम है।